नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की दहशत के बाद धीरे धीरे अब यह भारत में भी पैर पसारता जा रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 6 मामलों की पुष्टि हुई है। ताजा मामला जयपुर का है, जहाँ इतावली नागरिक के नमूनों की तीसरी जाँच में भी उसे पॉजिटिव पाया गया है। इनमें से 2 मामले सोमवार को सामने आए थे। इसके साथ उत्तर प्रदेश के आगरा में भी 6 लोगों के नमूनों की जांच ली गई है। आगरा में नमूना परीक्षण के दौरान तेज बुखार के 6 मामलों का पता चला। ये सभी 6 लोग दिल्ली के उस 45 वर्षीय मरीज के संपर्क में आए थे, जिसका मामला सोमवार को सामने आया था। वहीं सोमवार को दिल्ली और तेलंगाना में एक एक मामले सामने आए थे। नोएडा के सेक्टर 135 स्थित श्रीराम मिलेनियम में पढ़ने वाले एक छात्र के अभिभावक के कोरोना वायरस से सोमवार को पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल परिसर को 2 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया और अपनी वार्षिक परीक्षाओं को टाल दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि स्कूल के कुल 40 छात्रों का वायरस को लेकर जांच की गई है और 28 दिनों के लिए आइसोलेशन में भेजा गया है। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दाखिल किए जाने पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है और कहा है कि भारत की संप्रभुता से जुड़े विषयों पर विदेशी पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जिनेवा स्थित भारतीय मिशन ने सोमवार शाम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त को सूचित किया है कि उनके कार्यालय ने नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 को लेकर भारत के उच्चतम न्यायालय में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त से कहा गया है कि CAA भारत का आंतरिक मामला है और यह भारतीय संसद के कानून बनाने के संप्रभु अधिकारों से जुड़ा विषय है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर गतिरोध बना रहा और लोकसभा में जबरदस्त धक्का मुक्की तथा अराजकता के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार होली के बाद 11 मार्च को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष तत्काल चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा की सहमति बन गई है, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू की मंजूरी मिलने के बाद ही इस पर चर्चा होने की संभावना है। राज्यसभा में भी विपक्ष के अड़ियल रवैये के कारण कोई कामकाज नहीं हुआ और 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में 2 बार स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली में हुए दंगों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद तथा सत्ता पक्ष के कुछ अन्य सदस्यों ने सुरक्षित घेरा बनाकर लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव को सदन से बाहर निकाला। जापान के ओलंपिक मंत्री सीको हाशिमोतो ने देश की संसद में मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस के कारण इस साल होने वाले ओलंपिक खेलों को स्थगित किया जा सकता है। एक सांसद के यह पूछे जाने पर कि क्या ओलंपिक खेल स्थगित होंगे, इस पर होशिमोतो ने कहा कि मेजबान अनुबंध के अनुसार अगर खेल 2020 में नहीं हो रहे हैं तो इस मामले में खेलों को रद्द करने का अधिकार सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पास है, लेकिन यदि ओलंपिक 2020 में खेला जाना है तो हम इसे स्थगित कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अब भी भरोसा है कि ओलंपिक अपने तय समय अनुसार 24 जुलाई से ही होंगे। होशिमोतो ने कहा कि आयोजन समिति IOC और टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार 24 जुलाई से ओलंपिक कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज। धन्यवाद।